हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट बैलेंसिंग की। ठीक है, हमने बैलेंसिंग देख ली थी कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आई होप दोनों मेथड आपको आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो ईजी मेथड है वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था आपका एन फैक्टर, कि एन फैक्टर क्या होता है, कैसे हम किसी भी स्पीसीज के लिए एन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एन फैक्टर क्या होता है, सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या फिर चार्ज एक्सचेंज पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, एक सब्सटेंस पर मोल के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है, या तो गेन करता है या लॉस करता है। ठीक है, या फिर कितना चार्ज का ट्रांसफर करता है, जैसे आयन ले देते हैं हम HCl, तो वो H+ आयन डोनेट करता है, तो वो आयन की फॉर्म में क्या करता है, चार्ज का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चार्ज का ट्रांसफ़र करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका एन फैक्टर। और एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मास में हमने रिलेशन देखा था, दैट इज इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, जिसे हम आगे यूज में लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। बाद में हमने एन फैक्टर कैलकुलेट किया था किसके लिए, सॉल्ट के लिए। तो हमने फाइंड आउट किया था सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है, जो भी कैटायंस या एनायंस प्रेजेंट है उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है टोटल, वो उसका क्या होता है, सॉल्ट, या तो कैटायन का ले लो या फिर एनायन का ले लो, वो उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। ठीक है, या फिर कैटायन और एनायन पे जो प्रेजेंट है उसका एलसीएम ले लो आप। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। इसके अलावा हमने आयंस के लिए भी देखा था एन फैक्टर। आयंस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से अपने को लेना देना नहीं है, एन फैक्टर हमेशा ही पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो आयंस के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसका एन फैक्टर। आज हम बात करते हैं आगे कुछ और स्पीसीज, जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, उनके लिए हम कैसे एन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन फैक्टर फॉर एसिड्स, थर्ड वन है आपका, दैट इज एन फैक्टर फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए हम कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एसिड्स के लिए जो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर वो होती है एसिड की बेसिसिटी। एन फैक्टर क्या होता है एसिड्स के लिए, बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स वो कितने एसिड, कितने H+ डोनेट कर सकता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H+ एटम्स डोनेटेड बाय एन एसिड। एक एसिड कितने H+ एटम्स डोनेट कर सकता है या H+ आयंस डोनेट कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर हम तीन मेन टाइप में क्या करते हैं, एसिड्स को डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके मोनोबेसिक, एक होते हैं आपके पास डायाबेसिक, और एक होते हैं आपके पास ट्रायाबेसिक। ठीक है, मोनोबेसिक्स कौन से होंगे, वो एसिड्स होंगे जो जिनकी बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अगर बेसिसिटी 1 है तो इनका एन फैक्टर भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, डायाबेसिक क्या होंगी, जिनकी बेसिसिटी 2 होगी और जिनका एन फैक्टर भी क्या होगा, 2 होगा। ट्रायाबेसिक कौन होंगे, जिनकी बेसिसिटी 3 होगी और एन फैक्टर भी क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, एग्जांपल अगर हम देखें तो मोनोबेसिक के लिए HCl ये कितने H+ देगा, 1 H+ देगा प्लस Cl-, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। ऐसे ही HNO3 ये भी कितना H+ देगा, 1 H+ देगा। CH3 COOH ये भी कितना H+ देगा, 1 H+ देगा। तो वो जितने भी कंपाउंड, जैसे HBr ले लो, HI ले लो, जो केवल और केवल 1 H+ आयन डोनेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक। उनकी बेसिसिटी 1 होती है और एन फैक्टर भी 1 ही होता है। ठीक है, अगर हम डायाबेसिक की बात करें, जैसे H2SO4
ये कितने एच प्लस डोनेट करता है, 2H+ डोनेट करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसकी बेसिसिटी 2 होगी, एन फैक्टर भी 2 होगा, डायबेसिक, ठीक है। H2SO4 हो गया, इसके अलावा H2CO3 है, ये भी क्या है आपका, डायबेसिक एसिड है, 2H+ डोनेट करता है, ठीक है। ट्रायबेसिक की अगर हम बात करें, H3PO4, H3PO4 क्या है, यहाँ पे 3H+ डोनेट करेगा, तो ये क्या है आपका, ट्रायबेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 3 होगी और एन फैक्टर भी 3 ही होगा, क्लियर है। चलिए, तो ये तो है मेन 3 टाइप के डायबेसिक, मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्रायबेसिक, ठीक है, नॉर्मल है ये। अब इसमें एक केस आता है, दैट इज फॉस्फोरस एसिड्स, फॉस्फोरस एसिड्स का केस आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड्स, देखिए अगर हम फॉस्फोरस एसिड्स के बारे में बात करें तो 3 टाइप के आपके एसिड होते हैं, दैट इज एक होता है H3PO2, एक होता है H3PO3 और एक होता है आपके पास H3PO4, क्लियर। इनकी बेसिसिटी देखने पर हमें लगता है कि यहाँ पर सभी में 3H+ है, तो सबकी बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम डिसाइड करेंगे किसके बेसिस पे, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। देखिए अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो सिंपल स्ट्रक्चर इसका बनाने की एक ट्रिक होती है कि फास्फोरस को सबसे पहले तो P(O) बना दीजिए सब में, P(O), P(O), ठीक है। उसके बाद देखिए कितने OH एसोसिएट हो सकते हैं, उतने OH फास्फोरस के साथ एसोसिएट कर दीजिए और बचे हुए हाइड्रोजन को फिर फास्फोरस से। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ काम में आ गया, एक ऑक्सीजन बचा है, मतलब एक OH यहाँ एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। बाकी दो जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लियर। यहाँ 3 में से एक ऑक्सीजन काम में आ गया, मतलब 2 ऑक्सीजन आपके काम में आ सकते हैं, तो OH OH ये हो गया, एक हाइड्रोजन बचा है तो एक हाइड्रोजन को फास्फोरस से एसोसिएट कर दीजिए, क्लियर। यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं क्योंकि एक काम में आ गया 4 में से, तो 3 OH यहाँ पे एसोसिएट हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई भी कंपाउंड कितने H+ दे सकता है, वो उतने ही H+ दे सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हाइड्रोजन जो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है तभी वो H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है। ये जो फास्फोरस से H जुड़े हुए होते हैं ये कभी भी आपके H+ की फॉर्म में रिलीज नहीं होते, ठीक है। जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उनके साथ एसोसिएट होता है, फॉस्फोर आपके फ्लोरीन हो गया, तब वो H+ की फॉर्म में निकलता है। जैसे ये दोनों H नहीं निकलेंगे, ये वाला H निकलेगा क्योंकि ये एक ही H+ निकलेगा जो ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट है, इसलिए इसकी बेसिसिटी होती है 1 और इसी के लिए इसका जो एन फैक्टर होता है वो भी हम क्या लेते हैं, 1 ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें यहाँ पर ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन एसोसिएट है, ठीक है, तो इसकी जो बेसिसिटी होती है वो होती है 2 और जो एन फैक्टर होता है वो भी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन एसोसिएट है, तो इसके लिए जो बेसिसिटी होती है ये 3H+ डोनेट कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 3 होती है और एन फैक्टर भी कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस एसिड्स का केस है, आपको ध्यान रखना है, दिखने में लगता है 3 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी सबकी क्या होनी चाहिए, 3, बट ऐसा नहीं होता है। सिंपल याद करने का तरीका क्या है, जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे एक कम कर दो वो आपकी बेसिसिटी, ठीक है। जैसे 4 ऑक्सीजन है तो एक कम कर दो 3, मतलब इसकी 3 बेसिसिटी, 3 ऑक्सीजन है तो बेसिसिटी 2, 2 ऑक्सीजन है तो बेसिसिटी 1 होगी और एन फैक्टर भी 1 होगा, क्लियर है। तो ये केस है किसके लिए, फॉस्फोरस एसिड्स के लिए, इसको नोट कीजिए। फिर एक और स्पेशल केस है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट केस, एक और हम स्पेशल केस देखते हैं,
देखिए ये स्पेशल केस रहते हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। क्या होता है? H3BO3, ठीक है। इसे हम इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, BOH होल थ्राइस। किस फॉर्म में? BOH होल थ्राइस। ये भी क्या है? H3BO3। ये लिखने का तरीका है और कन्फ्यूजन करने का भी तरीका है। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, जो हम सोचते हैं NaOH, OH प्रेजेंट है मतलब बेस, CaOH होल ट्वाइस, दो OH प्रेजेंट है मतलब बेस है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। BOH होल थ्राइस, तो बच्चे इनको भी क्या समझते हैं, इसको भी बेस समझ लेते हैं, जबकि ये बेस नहीं होता, ये क्या होता है आपका? एसिड होता है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन करने के लिए इसको हम इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन ये बेस नहीं है, क्या है ये? एसिड है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी दोनों बेस है, ये क्या है आपका? एसिड है। चलिए देखिए, ये तो थी जनरल नॉलेज की बात। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड H3BO3 को देख के ऐसा लगता है कि ये 3H+ डोनेट कर सकता है, कितने? 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन इसके पास है। लेकिन ये कितने H+ डोनेट करता है, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, वो हम देखते हैं। तो देखिए H3BO3 की अगर हम बात करें तो BOH OH OH, बोरोन के आउटर शेल में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, ठीक है। इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, खाली डिब्बा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो ये किसकी तरह वर्क कर सकता है? ये लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकता है। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लुईस एसिड की तरह ये वर्क कर सकता है, ठीक है। अब मान लो इसको हमने किया, रिएक्शन किया इसको वाटर के साथ, ठीक है, वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है। तो जैसे वाटर में हम डिजोल्व करेंगे तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ठीक है, और आपके पास कंपाउंड बनेगा BOH BOH OH OH, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्लियर है। इस टाइप का आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है, हमने पता है, हमें पता है। तो क्या होगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए और ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाए, तो क्या होगा? ये जैसे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है, आपके पास जो स्पीसीज बनेगी BOH होल 4 माइनस, और यहाँ H+ बाहर आ जाएगा। ये जो H+ आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये वाटर से आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो बात ये है कि H3BO3 बोरिक एसिड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो H+ रिलीज होता है, बिल्कुल सही है। मतलब ये एसिड तो है, लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन जो H+ हमें मिल रहा है वो बोरिक एसिड से नहीं मिल रहा है। बोरिक एसिड खुद अपना H+ डोनेट नहीं कर रहा है, बहुत चालाक है ये वाटर में से OH को अपनी तरफ ले रहा है और वाटर का H+ बाहर निकाल रहा है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जनरली एसिड क्या होते हैं? जो खुद H+ देते हैं, लेकिन इस केस में स्पेशल क्या है कि बोरिक एसिड खुद अपना H+ नहीं देता है, ये वाटर में से OH लेता है और वाटर का H+ क्या होता है? रिलीज होता है। दिस H+
this H plus comes from वाटर, ठीक है, और एक H प्लस मिलता है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, और इसका N फैक्टर भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही है कि H3VO3 बोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है, एक H प्लस डोनेट करता है, बट वो खुद का H प्लस नहीं डोनेट करता है, वो वाटर में से एक H प्लस को डोनेट करवाता है और खुद OH माइनस आयन लेता है। इससे क्या होगा, यहाँ पे बोरोन के पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और उसका ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से बोरोन क्या है, फ़ायदा उठा रहा है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, खुद का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है और एच प्लस भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है बोरिक एसिड के केस में ध्यान रखनी है, स्पेशल केस है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो आप बेसिसिटी फाइंड आउट करते हो किसी भी सब्सटेंस के लिए, ये आपकी रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। रिएक्शन के हिसाब से आपकी बेसिसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप नोट बना के लिख भी सकते हो, द एन फैक्टर ऑफ ए सब्सटेंस इज डिपेंड ऑन द रिएक्शन इन विच इट पार्टिसिपेट, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो एन फैक्टर है वो किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे H2SO4, ठीक है, H2SO4 की हमने रिएक्शन करवाई, एसिड है, हमने रिएक्शन कराई बेस के साथ NaOH, आपके पास प्रोडक्ट बना NaHSO4 प्लस साथ में वाटर H2O। सेम रिएक्शन हमने कराई H2SO4 की NaOH के साथ, प्रोडक्ट बना आपका Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो H2SO4 मैंने आपको बताया क्या होता है, डायबेसिक एसिड होता है, ये दो H प्लस डोनेट करता है, ठीक है, मतलब दो H प्लस ही डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम रिएक्शन में देखें तो इसने केवल और केवल एक ही अपना H प्लस डोनेट किया है और HSO4 माइनस बनाया और यहाँ से Na प्लस आया तो NaHSO4 बना, ठीक है। इसका मतलब इसने केवल और केवल एक ही H प्लस का क्या किया है, डोनेशन किया है, इसलिए इसका जो N फैक्टर है यहाँ पर 1 होगा, बेसिसिटी 1 होगी, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने दोनों H प्लस डोनेट कर दिए, दोनों H हट गए और Na आ गया, Na2SO4 बन गया, तो इसलिए यहाँ पर इसकी बेसिसिटी भी 2 होगी और इसका एन फैक्टर भी 2 होगा, ठीक है। तो आपको रिएक्शन भी देखनी है, ऐसा नहीं कि H2SO4 एन फैक्टर 2 हो गया, नहीं, रिएक्शन में मान लो उसने एक ही H प्लस दिया है, सिंगल H प्लस, तो उसका एन फैक्टर क्या है, 1 होगा, अगर उसने दो H प्लस दिए हैं तो उसका एन फैक्टर 2 होगा, और अगर कुछ भी नहीं दिया है, नॉर्मल पूछा गया है कि H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, तो बाई डिफ़ॉल्ट कितना है, मैक्सिमम होगा, दैट इज़ 2, बाय डिफ़ॉल्ट लेना है आपको, लेकिन रिएक्शन दे दी तो रिएक्शन के बेसिस पर लेना है, क्लियर है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं एन फैक्टर फॉर बेसिस, कि बेस के लिए हम कैसे एन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एन फैक्टर फॉर बेसिस। तो जैसे एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है,
बेसिसिटी कि वो कितने एच प्लस डोनेट कर सकता है, वैसे ही बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, एसिडिटी। और एसिडिटी मीन्स वो कितने एच प्लस या कितने ओ एच माइनस डोनेट कर सकता है। एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयन्स ए बेस कैन डोनेट, ए बेस कैन डोनेट, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स ए बेस कैन एक्सेप्ट, कितने वो एच प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, वो भी क्या होती है, उसकी एसिडिटी होती है, ठीक है। इसके बेसिस पर भी हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक। अब मोनो एसिडिक जो एक ओ एच माइनस आयन दे सकते हैं, जैसे एन ई ओ एच, के ओ एच, एन एच फोर ओ एच, ये सब क्या है, बेस है जो एक ओ एच माइनस दे सकते हैं। तो इनकी बेसिसिटी एसिडिटी कितनी होगी, वन। तो एन फैक्टर भी कितना होगा, वन, ठीक है। बेसिसिटी होगी वन और एन फैक्टर भी कितना होगा, वन होगा। डाया एसिडिक जो दो ओ एच माइनस दे सके, जैसे एम जी ओ एच होल ट्वाइस, सी ए ओ एच होल ट्वाइस, जेड एन ओ एच होल ट्वाइस, ये सब क्या है, बेस है जो दो ओ एच माइनस डोनेट कर सकते हैं। ट्राई एसिडिक एफ ई ओ एच होल थ्राइस, ए एल ओ एच होल थ्राइस, ये तीन ओ एच माइनस डोनेट कर सकते हैं, तो वो ट्राई एसिडिक होंगे। इनके लिए बेसिसिटी होगी टू और एन फैक्टर होगा टू, इनके लिए बेसिसिटी होगी थ्री और एन फैक्टर भी होगा थ्री, क्लियर है। NH3 नाइट्रोजन के पास लोन पे है, ये एक H+ एक्सेप्ट कर सकता है, और जैसे ही H+ एक्सेप्ट करेगा क्या बना लेगा, NH4+। तो ये भी क्या है, इसके लिए बेसिसिटी कितनी होगी, मतलब एसिडिटी कितनी होगी, वन, मोनो एसिडिक होगा, क्योंकि ये H+ आयन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। NH3 हो गया, RNH2 हो गया, ये क्या कर सकते हैं, एक H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनकी टेंडेंसी है, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो एक एग्जांपल आता है NH2 CH2 CH2 NH2, इसे बोलते हैं इथाइलीन डाईएमीन। इथाइलीन दो कार्बन है इसलिए, और डाईएमीन, ठीक है, ये दो H+ को एक्सेप्ट करके क्या बना सकते हैं, इसे शॉर्ट में EN भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, EN, इथाइलीन डाईएमीन, ठीक है। तो जब ये H+ को एक्सेप्ट करेगा तो NH3+ CH2 CH2 NH3+ ये बना सकता है, ठीक है। तो ये सब किस किस कंडीशन में आते हैं आपके, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। मोनो एसिडिक के लिए क्या होगा, एसिडिटी क्या होगी, वन होगी, एन फैक्टर भी वन होगा। डाई एसिडिक के लिए बेसिसिटी टू होगी, एन फैक्टर भी टू होगा, और ट्राई एसिडिक के लिए बेसिसिटी थ्री होगी और एन फैक्टर भी टू होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप, टाइप मतलब फिफ्थ टाइप के रिएक्शन, जिसमें हम एन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ये फोर्थ था, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थर्ड एसिड था, फोर्थ बेसिस था, फिफ्थ है एन फैक्टर फोर, एन फैक्टर फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए एन फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करें, खुद क्या हो, इटसेल्फ रिड्यूस हो, और अगर रिड्यूस होगा तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या करते हैं, चार्ज का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, एन फैक्टर अगर हम देखें दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ये क्या होगा इनके लिए, एन फैक्टर होगा, ठीक है। अब हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में जो सबसे फर्स्ट आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उसमें जो फर्स्ट है आपका दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है आपका KMnO4, ठीक है। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट एंड इट कैन ऑक्सीडाइज ये किन किन को ऑक्सीडाइज कर सकता है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट खुद एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड इट कैन ऑक्सीडाइज मैनी सब्सटेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं KMnO4 के बारे में। तो हम बात करें अगर MnO4- आयन, ठीक है, जो KMnO4 होता है या फिर डायरेक्ट आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, KMnO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों मीडियम में ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज होता है, न्यूट्रल और बेसिक, सामने वाले को क्या कर सकता है, ये ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो KMnO4 यहाँ पे अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 आएगा। KMnO4 एसिडिक मीडियम मतलब H+ की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम मतलब H+ की प्रेजेंस में खुद रिड्यूस होता है, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, किसमें, Mn2+ में, ठीक है। +7 से कन्वर्ट हुआ +2 में रिड्यूस हुआ, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 5, ठीक है। न्यूट्रल या फिर इसको स्लाइटली बेसिक भी हम बोल देते हैं, स्लाइटली बेसिक मीडियम, यहां पर Mn +7 से किस में कन्वर्ट होता है, Mn+4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए जो एन फैक्टर होता है वो होता है 3, और बेसिक मीडियम में Mn+7 से कन्वर्ट होता है Mn+6 में, ठीक है। और इसके लिए जो एन फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 1, क्योंकि 7 से कहाँ गया है 6 में, तो एन फैक्टर की वैल्यू होती है 1। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है KMnO4 के लिए, कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में +2 में जाता है, रिड्यूस होता है, न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक मीडियम में +4 में जाता है, और बेसिक मीडियम मतलब OH- अगर आपको दिया हुआ है बेसिक मीडियम, तो ये Mn+6 में क्या होता है, रिड्यूस होता है। तीनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही वर्क कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है, स्टार बना के नोट कर लेना आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि KMnO4 कौन कौन से सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, किस किस में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए,
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं KMnO4 किन किन सब्सटेंस को किन में ऑक्सीडाइज कर लेता है। ठीक है, तो देखिए KMnO4 इट ऑक्सीडाइजेस इसको आगे लिखना फर्स्ट Fe2+ को Fe3+ में क्या कर देता है ऑक्सीडाइज कर लेता है। ठीक है, और ये रिएक्शंस आपको लिखी हुई आनी चाहिए। तो KMnO4 की जगह हम लिखते हैं MnO4- प्लस Fe2+ एसिडिक मीडियम में। ये जितने भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे ये सब एसिडिक मीडियम में पढ़ेंगे। ठीक है, खुद किस में रिड्यूस होता है +7 से +2 में। Fe+2 को किस में ऑक्सीडाइज करता है +2 से +3 में, और साथ में आपको वाटर फ्री में मिलता है। ठीक है ना, तो देखिए अब हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए यहाँ पर एन फैक्टर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए। ठीक है, देखिए Mn+7 से कहाँ जा रहा है आपका +5 में, +7 से कहाँ जा रहा है +5 में, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, कितने Mn है 1 Mn है इंटू 1 दैट इज 5। ठीक है, यहाँ जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट आता है ना कभी भी हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ पर कितने Mn है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अभी आगे केस आएगा मैं आपको बताऊँगा। यहाँ अगर हम देखें Fe+2 में कहाँ जा रहा है +3 में, कितने का चेंज 1 का चेंज, और 1 Fe है 1 × 1 दैट इज 1। तो आयरन का एन फैक्टर कितना हुआ 1, और MnO4- का एन फैक्टर कितना हुआ आपका 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एन फैक्टर है वो पूरे कंपाउंड का है, ऐसा नहीं कि केवल Mn का एन फैक्टर है 5, नहीं, पूरे कंपाउंड MnO4- मतलब KMnO4 उसका एन फैक्टर है 5। ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं कि सिंगल Mn का होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एन फैक्टर इसका 5 आ गया, इसका 1 आ गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप इनका भी आप Mn एन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ का अगर हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना है मान लो, तो अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा। +2 से कहाँ जा रहा है +7 में, कितने का चेंज 5 का, और 1 Mn है तो 5 × 1 5 होगा। ठीक है, यहाँ के लिए एन फैक्टर हम बात करें Fe3+ के लिए, तो 3 किस में जाएगा 2 में, कितने का चेंज 1 का, 1 × 1 Fe है एन फैक्टर 1। ठीक है, तो आपके एन फैक्टर सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है। क्लियर है, ध्यान रखना जो निकल के आ जाए वही आपका एन फैक्टर रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड जो रिएक्शन जिसको ये क्या करता है कन्वर्ट करता है या ऑक्सीडाइज करता है, दैट इज C2O4 2- ऑक्सीलेट। ठीक है, ऑक्सीलेट टू CO2, ऑक्सीलेट को CO2 में क्या कर देता है ऑक्सीडाइज कर देता है। रिएक्शन देखते हैं MnO4- प्लस C2O4 2- एसिडिक मीडियम H+। ठीक है, अपने को देखो यहाँ पे कोई रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, कि 4H ऑक्सीजन है तो 4 वो करो 8H+ करो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, अपन हम केवल रिएक्शन लिखना और एन फैक्टर निकालना कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है जो आना चाहिए। Mn खुद किस में रिड्यूस होगा +2 में। ठीक है, कार्बन का यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें ये CO2 में जाएगा और वाटर तो आपको फ्री में मिलेगा, ये +7 से जा रहा है आपका +2 में, तो एन फैक्टर कितना होगा 5 × 1 दैट इज 5, इसका एन फैक्टर है आपका 5। क्लियर, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो आएगा +3। ठीक है, 3 से ये किस में जा रहा है यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 4, तो 3 से किस में जा रहा है 4 में, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज 1, 1 × 2 कार्बन है तो 1 × 2 दैट इज 2, तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा
टू आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ कोई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट हो उससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है ना, क्योंकि हम पर मोल के लिए निकालते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पर क्या है आपका, दो कार्बन है, सी टू है, तो इसलिए हमने इसको दो से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक कार्बन प्लस थ्री से प्लस फोर में जाएगा तो दूसरा कार्बन भी तो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो बैठा रहेगा प्लस थ्री में, नहीं वो भी जाएगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया टू से। मान लो यहाँ पे फाइव ये होता, फाइव सी टू ओ फोर, तो आप सोचते कि इसको वन इंटू टू करो फिर इंटू फाइव करो, नहीं, पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं। तो अगर आप फाइव के लिए निकालोगे तो उसको फिर से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको फाइव से, क्योंकि आपने फाइव मोल के लिए निकाल दिया, तो बात वो की वही आ जाएगी, फिर से वो कैंसिल होकर आंसर दो ही आएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट जो होता है आगे उसको हम यूज़ नहीं लेते हैं एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गई बात, इसके लिए एन फैक्टर हो गया, अब हम बात करें इनके लिए। तो देखिए एम एन प्लस टू से कहाँ जाएगा, प्लस फाइव में, तो जहाँ से अब जिसका एन फैक्टर आपको निकालना है वहाँ से दूसरी तरफ हम मूव करते हैं, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो गया आपका फाइव, ठीक है। यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, ये फोर से कहाँ जाएगा थ्री में, तो एक का चेंज, और एक ही कार्बन है यहाँ पर, तो वन इंटू वन दैट इज वन। तो ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यहाँ पे तो एन फैक्टर टू आया यहाँ पे वन आया, कुछ भी आ सकता है, चेंज हो सकता है, समझो इस चीज़ को, कि यहाँ पे सी टू था, दो दो एटम थे इसलिए हमने इसको टू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ एक ही एटम है इसलिए हमने इसको एक से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये चीज़ें जो ध्यान रखनी है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये दो रिएक्शन मैंने लिखी है जहाँ पर हमने रिएक्शन को क्या किया, उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाले और एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है ना, बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे आपको। चलिए इन्हें नोट कीजिए, फिर कुछ और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। थर्ड ये आपके ऑक्सीडाइज करता है आई माइनस टू आई टू, आई माइनस को आई टू में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। रिएक्शन लिखेंगे हम एम एन ओ फोर माइनस प्लस आई माइनस एसिडिक मीडियम एच प्लस, ठीक है। एम एन प्लस सेवन से किस में जाएगा, प्लस टू में, आई माइनस किस में ऑक्सीडाइज होगा आई टू में, साथ में वाटर, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लस सेवन प्लस टू एन फैक्टर कितना होगा फाइव, ठीक है। याद हो जाना चाहिए अब तक आपको कि के एम एन ओ फोर का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है फाइव, हमेशा ही फाइव ही रहेगा, ठीक है, याद कर लो। आई माइनस माइनस वन से कहाँ जा रहा है जीरो में, कितने का चेंज एक का चेंज, आई कितने हैं एक, तो वन इंटू वन, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका वन, और इसका एन फैक्टर कितना होगा फाइव, क्लियर है ना। चलो इसका एन फैक्टर निकालते हैं, प्लस टू से कहाँ जा रहा है प्लस फाइव में, ठीक है, तो एन फैक्टर कितना होगा फाइव, क्योंकि एक ही है मेरा, क्लियर है। जीरो से कहाँ जाएगा वन में, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज वन इलेक्ट्रॉन का, कितने आई है दो, तो एन फैक्टर कितना होगा वन इंटू टू दैट इज टू, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एन फैक्टर वन है यहाँ पे टू कैसे हो गया, जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं वहाँ से सामने वाले को देखना है, उसके बेसिस पे आपको एन फैक्टर निकालना, जरूरी नहीं कि सेम आए, आ जाए तो हो सकता है आ भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम आए। यहाँ से निकाल रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे एटम कितने हैं, इसका निकाल रहे हैं तो यहाँ देखेंगे एटम कितने हैं, क्लियर है। चलिए ये तो हो गई थर्ड रिएक्शन। फोर्थ अगर हम देखें,
इट ऑक्सीडाइजेज H2S टू सल्फर. H2S को सल्फर में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है. तो MnO4 माइनस प्लस H2S एसिडिक मीडियम किसमें जाएगा, Mn2+ में, साथ में सल्फर, साथ में वाटर, ठीक है. +7 से कहाँ गया, +2 में. कितने का चेंज, 5 का इंटू 1 दैट इज 5. तो n फैक्टर कितना हुआ, 5. क्लियर है. चलिए यहाँ पे सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -2 से गया ये कहाँ पर, 0 पर. कितने का चेंज, 2 का. सल्फर कितने हैं, 1. तो 2 इंटू 1 दैट इज 2. इसका n फैक्टर कितना हुआ, 2. क्लियर. चलिए यहाँ n फैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा, 5. याद हो गया ना अब तो, बिल्कुल सही. यहाँ देखिए 0 से कहाँ जाएगा, 2 में. कितने सल्फर, 1. तो n फैक्टर 2 इंटू 1 दैट इज 2. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए n फैक्टर निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है. चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ होमवर्क के लिए, जिनका आपको क्या करना है, n फैक्टर निकालना और रिएक्शन भी लिखनी है. चलिए तो कुछ रिएक्शंस मैं देता हूँ कि किस में कन्वर्ट होता है, और उनके लिए आपको n फैक्टर क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, ठीक है. फिफ्थ, इट ऑक्सीडाइजेस H2O2 टू O2. H2O2 को किस में ऑक्सीडाइज करता है, O2 में. Sn2+ को ऑक्सीडाइज करता है ये आपके Sn4+ में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है. इसके अलावा आप सेवन लिख सकते हो, SO2 2 SO4 2-, ठीक है. तीन रिएक्शंस हैं जो आपको लिखनी है, और सभी के लिए आपको क्या निकालना है, n फैक्टर. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो आई होप आप लोगों ने आज जो पढ़ा है इम्पोर्टेंट n फैक्टर समझ में आया होगा. बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.